ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 44वें मैच में बांग्लादेश को 28 रनों से हरा दिया है। बता दें कि यह सुपर आज के चरण में दोनों टीमों का पहला मैच था। बता दें कि बारिश की वजह से यह मैच को डीएलएस का सहारा लेकर मैच का नतीजा निकालना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज और पेंट कमिंस ने हैट्रिक लेने का कमाल किया। वह टी20 विश्व कप में ब्रेट ली के बाद हैट्रिक लेने के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। बता दें कि मैच के दौरान पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बोर्ड पर लगाए थे। टीम के लिए कप्तान शांतो ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 36 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 41 रन स्कोर किए थे। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 2 बार बारिश देखने को मिली। पहले 7वें ओवर के दौरान बारिश ने दखल दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही मुकाबला शुरू हो गया। इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना 6.2 ओवर में कोई विकेट गवाए 64 रन बोर्ड कर लगा दिए थे। लेकिन फिर 12वें ओवर के दौरान दूसरी बारिश आई। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर में 100 पे 2 रन बोर्ड पर लगा लिए थे। इस दौरान टीम के लिए डेविड वार्नर 35 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर और ग्लेन मैक्सवेल 6 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन इस बार बारिश बंद नहीं हुई और मैच में आगे होने के चलते ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस के तहत 28 रनों से जीत हासिल की।